आप सभी को नमस्ते। मेरे एक्टिविटी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कैबेज की सब्जी। मैं यहाँ पे कैबेज को अच्छे से धो ली हूँ, इसे मैं पतले पतले काट लेती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूले। मैं यहाँ पे सारे कैबेज को काट ली। अभी मैं यहाँ पे कढ़ाई को चढ़ा दी। अभी मैं तेल डाल दी। मैं सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। तेल गरम हो गया, मैं जीरा डाल दी, सरसों, लहसुन बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, और इसे मैं 6-7 सेकंड के लिए पका ली। फिर मैं डाल लूँगी यहाँ पे प्याज छोटी कटी हुई, और मैं इसे मिला लेती हूँ। अभी थोड़े से पक गए हैं। अभी मैं यहाँ पे डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, डालूंगी यहाँ पे गरम मसाला, और मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। जब मसाला अच्छे से भून जाए, मैं यहाँ पे डाल लूँगी कैबेज, और मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। इसे मैं मीडियम आंच पे ही पका लूँगी। अभी मैं डाल लूंगी स्वाद अनुसार नमक। अभी मैं इसे भी मिला लेती हूँ अच्छे से, और अभी मैं ढक्कन लगा के कुछ देर के लिए पका लेती हूँ। अभी मैं ढक्कन हटा ली और मैं इसे चेक कर ली। अभी यहाँ से पानी निकल रहा है, तो मैं कुछ देर के लिए और ढक्कन बंद कर दी। अभी रेडी है। थैंक यू।